अस्सलामु अलैकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई रमजान मुबारक। अच्छा, रमजान मुबारक के ऊपर हमारे एक भाई ने बोला कि यार मतलब रमजान शुरू हो चुका, अब रमजान मुबारक। मैंने बोला भाई रमजान का हर दिन मुबारक दिन है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी इस वक्त हमें यूनिवर्सिटी बुला लिया है और पूरी यूनिवर्सिटी बंद है, सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट खुला हुआ है। मतलब ये है ना कि हवा के उल्टे रुख पे चलते हैं, ये वही वाला सीन है। 10 मिनट तो हमसे ज्यादा 10 मिनट लंबा होता है। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें रोजा रखना चाहिए था। छोटा कद है तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोजा नहीं रखोगी। आधा रोजा है तुम्हारा वैसे भी। दाढ़ में दर्द है तो रोजा नहीं रखोगी। दवाई को खाओ ना दवाई। रोजे तुम्हें शहरी में दवाई खानी चाहिए थी, तुम्हारा वैसे भी 12 बजे खुल जाएगा, इतनी सी तो हो तुम। वैसे एक बात बताओ, रोजे में रोस्टिंग करने से रोजा टूट जाता है क्या? ये मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा मुझे। मैं किसी का दिल दुखाने दिल नहीं दुख दिल दुख रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या हुआ है, क्या हो गया? ये क्या इतने अल्लाह माफ़। बाजी आप क्लास लीजिए, बाजी मैं आपको नहीं, बाजी मैं आपको दुरुस्त कर दूंगी दिमाग आपसे। ये सब चश्मे की आड़ में सब हो रहा है ना, मुझे समझ आ रहा है। नहीं कुछ नहीं बता रहे चश्मे। वेरी गुड, वेरी गुड। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह करने से गुनाह माफ होते हैं। एक ऐसे लोग रिस्क में बरकत होती है। आप ही अपना मोबाइल पीछे कीजिए, मैं तो लाऊंगी आगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, लोग होते हैं इस तरह के। आपको यूनिवर्सिटी आकर कैसा लग रहा है रोजे में? मुझे जी सर, आप इस शक्ल से ना लड़कियों को नहीं दिखाते। नहीं नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कैसा लग रहा है आपको रोजे में आके? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो नहीं आ रहा, लेकिन जी। बस क्या करें, करना पड़ता है जिंदगी। देखें आप जब रमजान में स्टॉप लिविंग योर लाइफ इन रमजान ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। आप उर्दू में बात करें प्लीज, माशाल्लाह। हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हैं, आप उर्दू में बात कीजिए। अच्छा जी जी, मेरी आपसे गुजारिश है आप उर्दू में बात कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ आपको रोजे में आके इधर कैसा लग रहा है? दिल से दुआएं निकल रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह, पूरी यूनिवर्सिटी बंद है, पूरी यूनिवर्सिटी बंद है, आपको कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली, पूरी यूनिवर्सिटी बंद। एग्जैक्टली ये क्या, एग्जैक्टली क्या होता है? बिल्कुल जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात फरमाई जी। मैं अमूमन इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं आता फुल टोपी लगा के, सलवार कमीज पहन के। तो अब ना अभी सारे ऊपर स्टाफ में गया हूँ मैं चाबी लेने के लिए दरवाजे की, तो मुझे कह रहे हैं अरे अरे बात है तुम। मैंने बोला जी सर, मैं कह रहे हैं हम तो समझे कोई मौलवी साहब खड़े हैं। मैंने बोला हाँ, अभी आपका नमाज जनाजा पढ़ा देते मौलवी साहब। हंसने लगे। खैर वो कह रहे हैं भाई दीफन फिन पे कुछ बनाओ। हमने बोला हाँ बना रहे हैं भाई। हर जगह सन्नाटे पड़े हुए हैं, ये देखे ताले लगे हुए। अभी कुछ आता पता नहीं है, 11 बजे का टाइम था क्लास का, लेकिन अभी 11:30 हो चुके हैं और स्टूडेंट भी सिर्फ 3-4 आए, 3-4 मुझे मिला के 4 कर ले आप। सर का भी कुछ पता नहीं है। वैसे रोजे में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो ना जाए, पता चले सर की कॉल आए और मैसेज आए कहें कि भाई वो क्लास, समझ रहे बात को, फिर मतलब खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो भाई फाइनली क्लास ऑफ हो गई है और ये चेक करें, सर अपनी गाड़ी तो ऊपर खड़ी कर देते हैं, सर को कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सर है ना। गाड़ी मेरी मर्जी, मौसम वैसे अच्छा है, कोई धूप वूप नहीं हो रही। तरक्की हो रही है भाई, तरक्की। चेक कर रहे हैं रोड, इतना जबरदस्त रोड डाल दिया इधर। अरे भाई यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, ये चेक करें पूरी यूनिवर्सिटी खाली है। अब जो खवातीन हमारे डिपार्टमेंट में पैदल पैदल आई हैं बेचारी, अब वो पैदल पैदल ही जाएंगी रोजे में। सारे मेरे कपड़े खराब कर रहा है, नीचे उतर, सारे मेरे ब्लैक कपड़े खराब कर दिए। मैं कुछ नहीं, बस नीचे उतरो, इधर से नीचे उतर जाओ। हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। सर मुझे कह रहे हैं कि क्या क्लास में तरावी पढ़ाने आ गए? मैं ऐसे गेटअप में गया ना, कह रहे कि तरावी अभी से पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने कहा रात में पढ़ाऊंगा वो, तो सारे हैरान हो गए मैं ये किस गेटअप में आ गया। हाँ बोल रहे हैं तो मौलवी साहब के गेटअप में आ गए। मैंने कहा भाई ऐसी मदरसे जाता था मैं पहले, मैं तो इसको बेटी समझ रहा था रेहाना की। वाह भाई, तो वो हमरा करने गई है? अच्छा अच्छा, भाभी गई है मासी की। वाह भाई क्या बात है, माशाल्लाह। जानवर वफादार होते हैं, इंसान नहीं होते। हाँ कुत्ता दूध बना के देता है नवासे को, बच्चे की माँ मर गई है, सिर्फ दादी है। बेटा कह रही सुबह जाता है अस्पताल में, वो सिर्फ बाजियों से मांगेगा, बाजों से नहीं मांगेगा। ये आंटी माज है। अच्छा उसको बोलिएगा कि आनी क्या आ जाए। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु। चलो चलो किचन में जाओ, चलो बर्तन बर्तन दो, बर्तन शाबाश, चलो 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 बर्तन दो। चाय का शुक्रिया। चलो
किचन में जाओ चलो। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। चलो चुप, बर्तन दो चलो। कहाँ चला गया यूसुफ, कहाँ चला गया भाई? यार यूसुफ जो है ना, यूसुफ जब से आपने यूसुफ का पेट वाला दिखाया है ना, हाँ तो यूसुफ ने कम खाना शुरू कर दिया। ये क्या बात है यार, मैंने उसका पेट इस वजह से दिखाया था कि हाँ वो वैसे कम तो खाए, इतना ज्यादा मत खाए क्योंकि पेट बहुत ज्यादा बाहर है, उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है पेट के साथ साथ। तो वो गाड़ी वाली शर्ट भी नहीं पहन रहा फिर? नहीं, गाड़ी वाली शर्ट तो उसने साइड पे कर दी अब। क्यों भाई, गाड़ी बड़ी हो रही थी ना, क्या हो गया? उसका पेट सही है, गाड़ी बड़ी है यार, गाड़ी का कसूर है। तो तुमने उसको छेड़ना शुरू कर दिया होगा ना। चलो जब वो वापस आएगा ना, फिर हम उसकी गाड़ी देखेंगे, और अगर वो शर्ट नहीं पहनेगा तो उसको और पहना देंगे, बोलेंगे पहनो तुम्हारी गाड़ी देखनी है हमें। ये नहीं बोलेंगे पेट देखना है, बोलेंगे गाड़ी देखनी। सही है यार। कबीर एक बात बतानी थी तुम्हें, मतलब मैं बड़े दिनों से बताना चाह रहा था। क्या? 27 रोजे रह गए, पता भी नहीं चला। क्या हुआ? क्या हुआ? अब बोलो, अब दोबारा बोलो, ठंडी कर दी आपने? वैसे रमजान में इतनी सर्दी हो रही है, आपने ठंडी कर दी, बोलो। क्या हुआ? बोलने लायक नहीं छोड़ा ना मैंने। एक और बात बतानी तुम्हें, बताऊं? नहीं भाई। बताऊं? रमजान तो आ गया, शैतान में तुम बंदी हो अभी तक। अरे यार क्या ठंडी कर रहे हैं यार। एक और बात बतानी, बताऊं? बस सुन तो लो। अच्छा सुनो, ये बता, ज्यादा समोसे खाने से क्या होता है? पेट फूल जाता है। पेट नहीं फूलता, समोसे खत्म हो जाते हैं। ठंडी क्या हुआ? एक और बस ये बताओ, तुम्हारे घर में बाथरूम बना है? हमारे घर में तो रोल समोसे बन रहे। क्या हुआ फिर? ठंडी अबे यार क्या हुआ, ठंडी कर दी ना भाई। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया सुसु भाई, आज क्या तबीयत सेट नहीं लग रही तुम्हारी? क्या हुआ, बुखार चढ़ गया क्या? है कल ज्यादा पढ़ा दिया था। चलो कोई बात नहीं, आज सबसे ज्यादा पढ़ाना है भाई जान। आज मैं सलवार कमीज पहन के नहीं आया, कैसे पढ़ा यार? ये क्यों तुम अब क्या मतलब, जैसे जैसे रमजान गुजरते जा रहे हैं तुम्हारे सलवार कमीज गायब कैसे हो गया अभी? अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी कबीर से पूछी, वो खड़ा हुआ है, तुम बताना मत भाई। एक बात बताओ, ज्यादा समोसे खाने से क्या होता है? पेट भर आता है, समोसे खत्म हो जाते हैं। अपनी जगह बाइक चलाना। क्यों क्या हुआ? नहीं आंटी, कुर्सी में बैठना अलाउ नहीं है। कह रहे उसको मैं मारूंगा। क्यों मारूंगा? तलाक में क्यों बोलता है मुझे? काले वो टोपी वाले को बोलो। अनस नाम नहीं पता, बोले काले को बोलो। मैं अम्मा के पास घूमूंगा अबे यार, मैच खेल के मेरे बोले उसको, अभी बोले उसको। बेटा नहीं बोल रहा, तो पता नहीं है, वो पूरा स्पेशल है, तो जी आंटी सुन लो, थोड़ी बड़ी सूरत पढ़ाया करो नमाज में। बिल्कुल। हाँ अब इसका चार्जर कहाँ लगेगा? कुल अभी ना आएगा ये भाई, जल्दी सेट कर दे, टाइम नहीं है यार। चार्जर कहाँ लगेगा? चार्जर यहाँ लगेगा ना भाई, ये माइक है। ये देखो इसका, ये इन्होंने वो बनाया हुआ जुगाड़। यार तुम लोगों को पता नहीं है यार, अजीब क्या करेंगे। माइक कहाँ लगेगा? जगह बंद कर दी तुमने तो। नहीं, एक मिनट यार, ये तो इन्होंने जुगाड़ बनाई है, थोड़ा चार्ज कर देते हैं इसको। हाँ थोड़ा चार्ज कर दे। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये बताओ अगर ये अभी चार्ज नहीं है, इतना भी चार्ज नहीं, बटन दबा के ऑन हो रहा है सिर्फ। ऑन कर बटन दबा के रखना पड़ेगा। ये वो ब्लूटूथ वाला जो बनाया हमने सीन, वो कर लेते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं मोबाइल से माइक बनेगा, आगे वाली जेब में डाल लेंगे, आराम से हो जाएगा सीन। छोड़ दे यार, माइक कनेक्ट नहीं हो रहा तो। प्यारे भाई ऑक्स की जगह से कभी नहीं होगा, प्यारे भाई माइक लगेगा सिर्फ। माइक लगाया है जी प्यारे भाई, बड़े भाई जी। हजरत आप इसका मेन्यू चेंज करें। हजरत मूड ही चेंज कर रहा जी, इसका मूड चेंज नहीं करना, मूड चेंज करें हजरत। अरे भाई जल्दी कर लें, ब्लूटूथ लगा। दिमाग खराब नहीं करो, ब्लूटूथ लगा। मैं हूँ कादिर, सही है। एको कम करो, एको आवाज कम करो। ये हैक निकाल लिया भाई, जबरदस्त वाला, माशाल्लाह। मैं हूँ कादिर, दूर कर। वो दूर कर, स्पीकर दूर कर। हाँ ना बस ले जाओ, वहाँ से आवाज़ लो करो।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم भाई जान अब आप थोड़ा सा पढ़ा लो, थोड़ा सा हिस्सा दे दो आप भी। क्या नाने नहीं नहीं क्या कर रहे हो, वो बेचारा नॉन ऑफिस बोल रहा है मैं पढ़ा लेता हूँ। वीडियो बननी होगी, यही तो बात है। चम्स यार कुछ शर्म कर ले यार, बस अब थोड़ा सा रह गया। अबे तू नॉन ऑफिस है, नॉन पीटी है वो भाई, बस अब आप पढ़ाओगे, थोड़ा सा रह गया। एक पारा पढ़ा दो यार, बस एक पारा पढ़ा दो। तू अब दो पारे पढ़ाएगा ऐसी कोई बात नहीं। ओ भाई चार पारे पढ़ा दिए आज, मजाक चल रहा है क्या? चले मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, छुट्टी हो गई भाइयों, चले भाइयों भाई फाइनली तरावी पढ़ा लिया आज की। अबे आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया, लंबी हो गई यार आज। खैर हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। आज पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा बहुत लंबी लंबी हो गई, इसने शुरू में बहुत लंबी की है। अबे एक एक रकात में एक पाव पढ़ाया तूने, थोड़ा हल्का हाथ रख। आप अपने भाई को देख भाई, दो सफे तीन सफे बहुत हैं यार, एक एक पाव पढ़ा रहा है। हेलो भाई, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ इजाज़त दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।